केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन CDF उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा गोरखपुर बस्ती मंडल के भ्रमण के दौरान श्री गुप्ता केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन गोरखपुर द्वारा भलोटिया मार्केट में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें CDF के महामंत्री सुरेश गुप्ता, संगठन मंत्री राकेश सिंह तथा जोनल प्रेसिडेंट रणजीत सिंह ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया और व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ने की बात भी कही। समारोह में CDF गोरखपुर के अध्यक्ष संजय उपाध्याय, महामंत्री दिलीप सिंह अक्रम, लारी मनोज सिंह, अरुण बंका सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। बदल लिया जाए, सबको खत्म कर दिया जाएगा। आप लोगों को ये बात तो याद होगी ना, जब पहली बार सरकार बनी थी मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने 76 पॉइंट बना के सब हम आपको सबको देने के लिए तैयार है। जब आप कह रहे हैं कि ना डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो फिर आप दोबारा क्यों डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं? देश देश मत भूलिए, पूछ लीजिए क्या आज इस दवा के समस्त व्यापारियों के बीच में किसी को ज्ञान का मोल करना हो तो सुबह गुप्ता जी से मोल कर ले। देश देश मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परिणाम दो म्यान, ज्ञान तो पड़ी रहेगी, ज्ञान को लेके भूलते रहना। मौत करना है तो तलवार का मौत करो, तलवार जो तलवार। देर तक माल्यार्पण का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, आप आइए और हमारे सिद्धार्थ नगर के कहां पंकज श्रीवास्तव जी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CDF के पदाधिकारी ने बताया, तो कई बिंदुओं थे जिस पर हमने चर्चा की। पहला तो बिंदु ये था कि प्रदेश सरकार का जो पोर्टल है दवा विभाग का, वो पोर्टल में बहुत सारी खामियां हैं जो एक साल से वो ठीक नहीं हो रहा है। और हमने जो है उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि अगर पोर्टल की समस्या अगर नहीं निस्तारण हुआ इस नवम्बर तक, तो फिर हम एक दिन के लिए सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे। दूसरा जो है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार से भी कई सारी समस्याएं हैं। जो फार्मासिस्ट की जो अनिवार्यता है, उस पर अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। हमने उनको कहा था अनिवार्यता अब समाप्त करो या ना करो, मगर जो लोग 5 साल से अपनी दुकान कर रहे हैं उनको उनकी दुकान चलाने के लिए एलिजिबिलिटी सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, जिसको अभी भारत सरकार ने नहीं माना है। तीसरा हमारा ये कहना है कि भारत सरकार कहती है कि सिंगल विंडो जो है सिस्टम होना चाहिए, डिजिटल इंडिया की बात करती है। हम ये कहते हैं कि एक दवा व्यवसायी GST का रिटर्न अलग भरता है, इनकम टैक्स का रिटर्न अलग भरता है, तो आप एक ही रिटर्न में आप प्रोविज़न रखिए, उसमें एनेक्सर अलग लग जाए इनकम टैक्स का और GST का, मगर वो प्रोविज़न एक ही होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग दो वकील करें, दो सिस्टम फॉलो करें, दुनिया भर का पैसा खर्च होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए अनुराग ठाकुर जो स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी है, उनसे हमने बातचीत की है, उनको पत्र लिखा है, मगर उसमें अभी तक